दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल बिजी बच पर। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ डिवाइस मैनेजर के बारे में, क्योंकि डिवाइस मैनेजर ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर में लगा हुआ मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और रैम तमाम चीजों की जानकारी देख सकते हैं, और कौन सा ग्राफिक कार्ड आपने यूज किया है उसका नंबर वगैरह नोट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि डिवाइस मैनेजर को हम कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये डिवाइस मैनेजर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे, और ये हम आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है आपका ये विंडोज का साइन। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे जाके, इस वाले पॉइंट पे जाके डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना है। जब आप डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो आपके सामने ये डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सकती है जो कि आपके कंप्यूटर, डेस्कटॉप वगैरह में चीज़ें लगी हुई हैं। तो आइए देखते हैं, ये होता है आपका पीसी, कि आपके पीसी के अंदर कौन सी विंडोज डली हुई है। विंडोज 64 इसमें डली हुई है। डिस्क डिवाइस कौन सी है, किंगस्टन की डिस्क डिवाइस है। सैमसंग SSD 850 इसके अंदर है, 500 GB के अंदर। सीगेट्स डली हुई है, डिस्क डिवाइस यही है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्प्ले अडोप्टर पे। दोस्तों डिस्प्ले अडोप्टर क्या चीज़ होता है, डिस्प्ले अडोप्टर होता है आपका कार्ड जिसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्राफिक को इम्प्रूव करते हैं। और अगर आपके इसमें जो है ना ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ना ग्राफिक कार्ड की वजह से EDS भी काम नहीं करता है। इसलिए आप ग्राफिक्स कार्ड का अपने यहाँ का नंबर यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इसमें NVIDIA GeForce GTX 1050 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो इसके द्वारा हम इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं और कार्ड को अपने देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आ जाती है आपकी CD डिवाइस रोम, यानी कि DVD ड्राइवर भी हमने इसमें लगाया हुआ है, जिसका यूज अब तो बहुत कम होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन चीज़ों का यूज हो जाता है। ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस जो होती हैं आपकी, ये USB डिवाइस पोर्ट वगैरह जो होते हैं, जो आप पीछे USB डिवाइस लगाते हैं, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी इसके माध्यम से आप ले सकते हैं। ये आपका कीबोर्ड होता है, कि HID कीबोर्ड डिवाइस इसमें लगी हुई है, HID कंप्यूटर माउस इसमें लगा हुआ है, और मॉनिटर आप कौन सा यूज कर रहे हो ये देखिए, ये AOC Q277 नंबर का इसमें मॉनिटर है। आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये देखिए AOC का मैं मॉनिटर यूज कर रहे हैं हम, और इसमें Q277 8G5 का मॉनिटर लगा हुआ है इस पर, जो कि 27 इंची है। दोस्तों नेटवर्क अडेप्टर का आप यूज हो रहा है इसमें, एथरनेट कनेक्शन है जो कि हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद पोर्टेबल डिवाइस आपकी, ये मेरे नाम से ही है, ये दिलीप कुमार के नाम से आ रही है। और पोर्ट आपके अंदर प्रिंटर पोर्ट इसमें अवेलेबल है। दोस्तों प्रिंटर पोर्ट जब भी आप यूज करेंगे, प्रिंटर पोर्ट इसमें बैक साइड में होता है जिसका यूज हम कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपका प्रोसेसर हो जाता है, ये देखिए प्रोसेसर का नंबर है। दोस्तों कई लोगों को पता नहीं होता कि प्रोसेसर कितना लगा हुआ है उनके कंप्यूटर के अंदर, तो वो भी आप डिवाइस मैनेजर के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं कि आपका प्रोसेसर कितना लगा हुआ है। अगर आपका प्रोसेसर सही लगा हुआ है तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। इसमें आपका प्रोसेसर लगा हुआ है इंटेल कोर i7 8700K, CPU 3.70 GHz का प्रोसेसर अवेलेबल है इसमें। उसके बाद दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर डिवाइस जो है, माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस एक्सेसरी रूट फंडामेंटल है। साउंड कार्ड इसमें HD वेबकैम 360 हाई डेफिनेशन ऑडियो का हम यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर दो ग्राफिक्स होते हैं, जैसे कि NVIDIA हाई डेफिनेशन, क्योंकि कार्ड जो होता है उसके अंदर भी अपनी ऑडियो का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद में आपका आ जाता है ये सिस्टम डिवाइस, यहाँ पे जितने भी इसमें चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का इसमें यूज पूरा का पूरा दे दिया गया है यहाँ पे।
सो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई चीज़ों के बारे में। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही दोस्तों आपको बहुत बड़ी जानकारियाँ की चीज़ों के बारे में बता देती हैं, जिससे कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मदरबोर्ड, प्रोसेसर और कौन कौन सी चीज़ें आपके कंप्यूटर में लगी हुई हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल आपके लिए ला सकूं और आपको बता सकूं।